मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे 27 तारीख से हम प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं और आज हमारा 5वां दिन यहाँ पे है। हमारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाय 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 चोर है भाई चोर है एसएससी चोर है चोर है भाई चोर है एसएससी चोर है। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसमें लगभग 38 से 40 लाख बच्चे बैठते हैं, जो ओवरऑल लगभग 1 करोड़ के आसपास बच्चे बैठते हैं, जैसे एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएचएल। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो हमारा सीजीएल टायर 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर स्टार्ट होने से ही पहले आंसर की और उनके स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पे आ गए थे। एक्चुअली में हुआ क्या कि 17 से जो 21 पेपर हुआ वो ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन पेपर में हमारी 7-8 बार जांच की गई, हमें अंदर जाए गए तो हमारे से नाम पेंसिल भी अंदर ले जा नहीं सकते थे। लेकिन जब पेपर कंडक्ट हो रहा था उसी के दौरान और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट सोशल साइट पे पहले आ चुके थे। मेन मुद्दा ये है कि जो भी चीटिंग हुई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसीलिए हम सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। और ये मतलब नहीं है कि 2-3 साल सीबीआई मुद्दा चलता रहे, हम चाहते हैं टाइम बाउंड सीबीआई जांच हो, और जो कि सही भी है। अब 3-4 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी क्या गलती है? अगर आप एक पेपर ठीक से नहीं करा सकते तो आप कहना छोड़ दीजिए। मोदी जी क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होंगी, शुरू में उन्होंने क्या कहा था कि रोजगार आएंगे, हम बहुत सारी वैकेंसी लेके आएंगे, क्या हुआ उन वैकेंसी का? 4 साल हो चुके हैं कोई वैकेंसी आती है, उनके 2016 की ज्वाइनिंग भी अब तक नहीं दे पाए हैं, वो कर क्या रहे हैं? यहाँ सभी स्टेट से बच्चे आए हैं, यहाँ बैठे हैं। मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, पानी के लिए हमारी जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया है, सीजो कॉम्प्लेक्स में लेडीज टॉयलेट को बंद कर दिया गया है। इससे मोदी जी आप कहते हो स्वच्छ भारत, यहाँ युवाओं को मौका मिलेगा, ये युवाओं को मौका दे रहे हैं आप। गली में चोर है, एसएससी चोर है, गली गली में चोर है, एसएससी चोर है। टॉयलेट बंद करा दिए गए हैं, मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए गए हैं, इवन जो स्टोर्स हैं वो भी बंद करा दिए गए हैं। आप बताइए बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे लड़ेंगे? हम लोग जब छोटे होते हैं हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप आगे जाके भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन जब हमें उस पोस्ट पर ही पहुंचने नहीं दिया जाएगा भ्रष्टाचार के कारण, तो हम देश कैसे सुधारेंगे? और पहली मांग हमारी यही है कि पहले आप भ्रष्टाचार को रोकिए, जिससे कि भ्रष्टाचारी उस स्थान पर ना पहुँच पाए कि भ्रष्टाचार कभी खत्म ही ना पाए, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ पर बस धरना देते रह जाएं। इस वक्त केवल किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान के साथ हम लोग भी सुसाइड करने लग जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी को सब जानते हैं। हम पकोड़े बेचने के लिए पढ़ रहे हैं ना, हमें पकोड़े बेचना है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारे और आने वाले बच्चों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, ये आज का ही सवाल नहीं है। सो प्लीज कोऑपरेट अस एंड सपोर्ट अस, थैंक यू।